हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी कॉर्न फिंगर फ्रिटर्स। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बेबी कॉर्न, 1 कप कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, नमक स्वादानुसार, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ऑयल डीप फ्राई करने के लिए। हम सबसे पहले बेबी कॉर्न्स को लंबाई में हाफ हाफ कर लेंगे। आप पूरे का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बाद में फिर वो खाने में थोड़ा सा कच्चापन लगता है। हाफ हाफ करने से अंदर तक वो पक जाता है। हमने सारे बेबी कॉर्न्स को कट कर लिया है। अब हम घोल बैटर बनाएंगे। उसके लिए जो कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर लेंगे। उसमें हम मैदा डालेंगे। चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वादानुसार काली मिर्च पाउडर मिक्स डालकर मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना। अब एक एक बेबी कॉर्न को उठाएंगे, उसको कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे। अच्छे से डिप करना है ताकि चारों तरफ से घोल लग जाए, और उसे ब्रेड क्रम्स के उसमें डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे, कवर कर देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके बेबी कॉर्न इसमें डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों तरफ से सुनहरे होने तक ना हो जाए। धीरे धीरे, बहुत ध्यान से डालने हैं क्योंकि तेल बहुत गर्म है। हमारे बेबी कॉर्न दोनों तरफ से सुनहरी हो गए हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब आप इन्हें किचन हमारे बेबी कॉर्न फिंगर फ्रिटर्स बनकर तैयार हैं, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इन्हें टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। जो आप पसंद करते हैं उस चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म परोसें, चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए, एक बार इसे जरूर
आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप ये बार बार बनाएंगे। एंजॉय, बाय बाय।